बैठो मेरे बाजू में। महाराज, मेरे मन की बात आपने बराबर पहचान ली। महाराज, कोल्हापुर में केसरी में ओयामा टोगो इनका चरित्र इन्होंने पढ़ा और प्रभावित होकर उनकी तरह परदेश जाकर विद्या संपादन करने और वापस अपने देश आकर मातृभूमि की सेवा करने का सपना ये देख रहा है। जी महाराज, वहाँ जाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? परदेश, परदेश मत जाना, अरे मातृभूमि छोड़कर और कहीं भी जाने का विचार मत करना। भौतिक शास्त्र तुम्हारे काम का नहीं, उससे अच्छा अध्यात्म और योगा का अभ्यास करो, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महाराज, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। अरे ये भारत भूमि छोड़कर कहीं भी मत जाना, अरे ये भारत भूमि ईश्वर की भूमि है। संत ज्ञानोबा तुकोबा जैसे महान संतों ने यहाँ जन्म लिया है, ऐसी पावन भूमि छोड़कर तुम विलायत जा रहे हो क्यों? और वहाँ क्या है रे? सिर्फ पैसों के लिए भाग दौड़ है बाबा। हमेशा अतृप्ति का शाप ढोने वाले लोग हैं वो, वहाँ जाकर क्या करोगे तुम? सोने जैसी भारत भूमि छोड़कर वहाँ मत जा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। जाओ, कोल्हापुर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है, वही तुम्हारा भाग्योदय होगा। पर महाराज, आपकी अध्यात्म की बात क्या मुझे समझ आएगी? अरे प्रपंच में रहकर अध्यात्म किया तो वो श्रेष्ठ। नासिक में एक बहुत बड़े यशवंत महाराज देव मामलेदार रहते हैं। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने मुझे कुछ दिन के लिए उनके साथ रहने के लिए भेजा था। क्यों पता है तुम्हें? अरे प्रपंच में रहकर योगी कैसे बनते हैं ये देखने के लिए। जाओ, वो गजानन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हमें भी अब पंथी की आस लगी है, ओ साओ